फोर्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज रिवीजन एक्सरसाइज में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए भी, और इसको अपने माइंड में भी रखना है आपको, क्योंकि इन्हीं से ही हमें, मतलब ये बेसिक है इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम नया है आपके लिए, और इसका साथ साथ दोनों इसलिए मैंने बनवाए हैं, इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको साथ के साथ उनका कंपेरिजन पता चल सके कि इंडियन सिस्टम में क्या अलग है और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या अलग है। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आपके इसमें 3 पीरियड्स होते हैं, ठीक है, और उसी के नीचे हम प्लेस इंडिकेट करेंगे। पीरियड ध्यान से ऐसे देखिए, जैसे मैंने बनाया सेम ऐसे आपका होना चाहिए। वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड्स और लैक्स पीरियड्स। अब इन पीरियड्स के आगे प्लेसेस हैं, आपने पहले प्लेस इंडिकेट करने हैं। वंस कि हमारे प्लेसेस थ्री प्लेसेस होते हैं, यानी कि 3 डिजिट आते हैं उसमें, वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड्स के 2 प्लेसेस होते हैं, 1000, 10,000, और लैक्स के भी 2 प्लेसेस होते हैं, लैक्स और 10 लैक्स। तो ये होता है हमारा इंडियन सिस्टम प्लेस वैल्यू, जिसमें हम रीड करेंगे कैसे लिखेंगे। देखो इसके नीचे नंबर लिखा, कोई भी नंबर आता है आपके पास, कोई भी नंबर दिया हो, आप उन प्लेसेस के नीचे उसके नंबर को लिखिए। वो न्यूमरल्स कैसे बनेगा, 5,35,862। दूसरा, हमारे इंडियन सिस्टम की क्या पहचान होती है कि जो वंस प्लेस के 3 डिजिट के बाद हमारा नेक्स्ट जो पीरियड स्टार्ट हुआ है तो कोमा लगा है। देखो हमारा नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हुआ उतना कोमा लगा, उस पीरियड के कितने डिजिट हैं, कितने प्लेस है, 2, तो 2 प्लेस के बाद फिर कोमा लगेगा, ठीक है। इसी तरह लैक्स में 2 प्लेसेस हो जाएंगे, फिर कोमा लगेगा, वो फिर बड़े नंबर हो जाते हैं। तो इनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, आप पहले कोमा लगाना सीखिए। हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट से के पहले कोमा लगता है, फिर 2 डिजिट के, फिर 2 डिजिट के, ऐसे इसकी सिमेट्री बनती है। और इन्हें हम लिखेंगे कैसे, 5,35,862। अब ये आपको समझ में आ गया, ये पहले से आता भी है आपको। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या चेंजेस है, देखो इसके वंस प्लेस में कोई चेंजेस नहीं है, इंडियन सिस्टम में देखो और यहाँ भी देखो कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस आते हैं थाउजेंड्स प्लेस से, थाउजेंड प्लेस में इंटरनेशनल सिस्टम में 3 डिजिट स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं, 3 प्लेसेस स्टार्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो थाउजेंड्स के 1000, 10,000 बिल्कुल इंडियन की तरह, लेकिन एक और प्लेस ऐड हो जाता है, 100,000। और उसके बाद हमारा लैक्स नहीं आता, इसमें मिलियंस आती हैं, मिलियंस के भी 3 प्लेसेस हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100। अब इसके नीचे कोई भी न्यूमरल आप लिखेंगे, ठीक है, उस न्यूमरल को कैसे इंडिकेट करेंगे कोमास में। 3 वाला 1s वाला तो बिल्कुल इंडियन की तरह ही है, जैसे 3 से पहले कोमा, इसमें भी 3 से पहले कोमा, लेकिन इसमें क्या चेंजेस है, फिर नेक्स्ट 1000 वाला भी 3 डिजिट को, 3 प्लेसेस को इंडिकेट करेगा, मिलियंस वाला भी 3 प्लेसेस को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब 3 प्लेसेस के पहले कोमा लगाना है, फिर जितने प्लेस इधर रह जाएंगे उधर रहने, तो 1 रहता है, 2 रहता है या 3 रहता है। अब इसको लिखेंगे कैसे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मिलियंस, 5 कौन से प्लेस पे था, मिलियंस पे, 5 मिलियंस, इन सब को इकट्ठा पढ़ना है हमने, 628, ये कौन से पीरियड में है, थाउजेंड्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको वही आपको ध्यान रखना है, 628,975। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों प्लेसेस की बना बना के देखिए। ये कुछ सम मैंने आपको दिए हैं, इनको इन्हीं प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है, एक बार इंडियन में लिखना है, एक बार इंटरनेशनल में लिखना है। ए बी सी डी पार्ट है, तो पहले ऊपर लिखो ए पार्ट, उसका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, नीचे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, फिर बी पार्ट, फिर उसका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, फिर इंटरनेशनल, ऐसे करके आपको ये सम करने। और ये असाइनमेंट बड़े सुंदर सुंदर ध्यान से अपनी नोटबुक पे कीजिए। थैंक यू।